हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको HTC 8528 मॉडल की ट्रिमर मशीन को रिपेयरिंग करके बताएंगे। ये मशीन 1.5 साल से सही चल रही थी, अब ये चलते चलते रुकने लग गई है। तो कस्टमर ने मेरे को ये मशीन लाके बताई कि ये चलते चलते जो बाल में डालते हैं कटिंग करने के लिए, तो ये मशीन रुक जाती है। तो इसको हम लोग खोल कर देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, ये अब चल रही है, लेकिन ये जो ही अपन कटिंग करते हैं तो ये रुक जाती है। तो इसको हम खोल के देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप देखते रहिए हमारे इस वीडियो को, हम आपको इसको खोल कर दिखाएंगे। इसको खोलने का एक आगे वाला हिस्सा है, इसको यहाँ से प्रेस करके दबा कर ऐसे दबाना पड़ेगा तो ये बाहर निकल जाएगी। ये अंदर दो पत्तियां है, टच रहती है, और ये इसके अंदर ये मोटर है। ये देखिए, ये स्विच ऑन करेंगे जब ये चलेगी, ये देखिए। और ये जो ही अपन हाथ रखेंगे तो ये रुक गई। तो इसको खोल कर देखते हैं कि ये रुक रही क्यों है, जाम क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। इसकी बैटरी वीक तो नहीं है? तो हम लोग इसको खोलते हैं। तो इसके खोलने के लिए 3 नट लगे हुए, एक तो इसकी ये हॉल दिख रहा है आपको, इस हॉल के अंदर नट है, और 2 नट है ये इस पत्तियों के दोनों तरफ जो मैंने खोल दिए नटों को। तो आपको मैं इस मशीन को ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके चारों तरफ ये नुकीले पेचकस की मदद से इसके चारों तरफ डालकर इसके जो ब्लॉक लगे रहते हैं उस ब्लॉकों को डाल के औले औले इसको खोला, और ये चारों तरफ से ओपन हो गई, ये देखिए। और अब इसको आपको पूरी खोल के दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है 600 mAh 1.2 वॉट। तो दोस्तों मुझे लगता है इसकी ये बैटरी वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मोटर लोड नहीं ले रही है। मोटर तो ठीक लग रही है, तो हम लोग इसकी बैटरी को चेंज करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये बैकअप बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो देखते रहिए, हम इसकी बैटरी चेंज करेंगे अभी। तो दोस्तों, हमने इसकी बैटरी को चेंज कर दिया है। अब ये देखो, आपको मैं चला के दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, काफी अच्छी स्पीड हो गई है इसकी, आपको दिख रहा होगा। अब इसको मैं मशीन को वापस फिटिंग करके दिखाऊंगा आपको। ये देखो, आपको आवाज आ रही होगी, काफी अच्छी स्पीड हो गई। तो देखो दोस्तों, हमने इसके प्लेट को वापस अंदर फिट किया है। अभी इसके स्विच ऑन करके दिखाऊंगा आपको। ये देखो दोस्तों, काफ़ी स्पीड बढ़ गई है। पहले इसको पकड़ते थे तो ये रुक जाती थी, अब देखो मैं पकड़ रहा हूँ टारगेट से, फिर भी ये बंद नहीं हो रही है, काफ़ी हाई स्पीड से चल रही है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है, इसको 1.5 साल हो गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ इसकी बैटरी वीक हो गई थी। तो बैटरी को हमने चेंज किया है, ये देखो अब रुक नहीं रही है। नहीं तो पहले इसको हाथ लगाते ही ये रुक जाती थी। अब आपको पूरी मशीन फिट करके दिखाऊंगा, इसके ढक्कन वगैरह सारे फिटिंग करके दिखाऊंगा। फटाफट से मैं आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ, स्क्रू वगैरह कस के। तो दोस्तों, हमने इसके सारे स्क्रू फिट कर दिए हैं, एक ये कस रहा हूँ। तो मोटर को हमने फिट कर दिया है। अब हम इसकी ब्लेड के अंदर जो ये कचरा फंसा हुआ है इसको क्लीन करेंगे, और फिर इसको नया ग्रीस लगाकर इसमें वापस फिट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट फिट हो गई है। आगे की ब्लेड वगैरह हमने क्लीन करके ग्रीस करके इसको फिट कर दिया है। अब ये देखिए, काफ़ी तेज़ी से चल रही है, इसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। ये देखो, मैं इसकी ब्लेड को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी रुक रही नहीं है।
ये हल्का सा हाथ लगाते ही ये रुक जाती थी। अब देखो इसकी स्पीड, आप देखो दोस्तों काफी तेजी से चल रहा है ये देखो। तो फाइनली हमने इसको रिपेयर कर दिया है। आप भी अपने घर पर इसको, इस वीडियो की मदद से आप इस मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको चार्जिंग में लगाएंगे, 4-5 घंटा ये चार्ज होगी, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे तो अच्छा बैकअप मिलेगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए और बनाते रहेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।